दुनिया ने जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो डेवलप कंट्रीज हैं, उन्होंने जो कमिटमेंट किए थे कि दुनिया में बनाएंगे, फंड बनाएंगे, जो दुनिया के पैमाने में टेक्नोलॉजी के अंदर जो परिवर्तन होने चाहिए उसके लिए अपना कंट्रीब्यूशन किया है नहीं किया, उस पर क्या पेरिस एग्रीमेंट के बाद क्या बदलाव है कि एक सर्वाइवल का इमिशन है जो किसानों से खेती से आ रहा है और जो तरफ लग्जरी का इमिशन है उसके प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण है। दूसरा सवाल है क्लाइमेट चेंज वास्तविक संकट है और दुनिया को, भारत को सबसे ज्यादा और दुनिया में भी भारत में अगर सबसे ज्यादा विक्टिम्स कोई है जिनके ऊपर सबसे बड़ी मार पड़ी है वो तबका, गरीब तबका है। केरल की बाढ़ हो, ऐतिहासिक हो जो 100 वर्षों के बाद आई, या 2013 का क्या कहते हैं उत्तराखंड का जो फ्लड है जिसको हम केदारनाथ के नाम से जानते हैं, उससे सबसे ज्यादा प्रभावित किया तो सामान्य वर्ग को, आम आदमी को प्रभावित किया। हमारी खेती, हमारी किसान, हमारी गरीब पर इसका असर पड़ रहा है। क्या इसके संदर्भ में सरकारों ने कोई अध्ययन किया? 2500 किलोमीटर को जो हिमालय है, जिस हिमालय को हम भारत की सभ्यता का प्रतीक मानते हैं, अगर हिमालय बचेगा तो हमारी नदियां बचेंगे, लेकिन हमारे हिमालय और नदियां तब बचेंगी जब हमारे जंगल बचेंगे। क्या उन जंगलों को बचाने का कार्यक्रम हो रहा? बाहर में जाए इतने बड़े बड़े डैम बनाने दिए जा रहे हैं, हजारों लोग क्या कहते हैं डिस्प्लेस हो रहे हैं, वहां पर हम क्लाइमेट चेंज के को क्यों भूल जाते हैं? 500 डैम दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनने जा रहा है, करीब करीब 4-5 लाख लोग डिस्प्लेसमेंट होंगे, 31,000 परिवार डिस्प्लेसमेंट होंगे, बायोडायवर्सिटी लाखों तबाह हो जाएगी। क्या उसके बारे में हम कभी सोच रहे हैं जो गरीब को प्रभावित कर रही है? हजारों लोग डिस्प्लेस में, क्या उनको रिहेबिलिटेशन करने की हमारी समस्या, हमारे पास जमीन है? क्या हमने डैम के इफेक्ट्स को इसका कोई अध्ययन किया है? हजारों हजार डैम हिमालय पर, कम से कम भारत सरकार कह रही है 2092 डैम बनाने जा रहे हैं। आपकी बिजली की समस्या है, सबसे बड़ा सोलर है, आप उस ओर क्यों नहीं जाते? धन्यवाद धन्यवाद। तो ये सवाल है, महत्वपूर्ण, इन सवालों को लोगों के दृष्टिकोण से इस क्लाइमेट चेंज का क्या असर है।